तेजस्वी का था 10 लाख का वादा, नीतीश का दूसरी कैबिनेट में 20 लाख लोगों को रोजगार का ऐलान। पटना, बिहार की नीतीश कुमार सरकार नीतीश कुमार ने रोजगार के मुद्दे पर अहम फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट बिहार कैबिनेट डिसीजन की बैठक में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का फैसला लिया गया है। अगले 5 साल में ये रोजगार दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार के लिए 5 लाख का अनुदान भी मिलेगा। नीतीश कुमार के इस फैसले को एक तरह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरजेडी नेता ने चुनाव के दौरान पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी का वादा किया था। वहीं नीतीश कुमार कैबिनेट ने इन फैसलों पर भी मुहर लगाई है। नीतीश सरकार ने 7 निश्चय पार्ट 2 को दी मंजूरी। पटना में हुई कैबिनेट की बैठक में जिन एजेंडों पर मुहर लगी है उसमें कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने साफ किया है कि सूबे में लोगों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगेगा। इसके अलावा 7 निश्चय पार्ट 2 को मंजूरी दी गई है। सूबे में अब इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25,000 और ग्रेजुएशन करने वाली छात्रा को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। इसे भी पढ़ें, 12वीं परीक्षा की डेटशीट में बड़ा बदलाव, अब इस तारीख से शुरू होगी इंटर की परीक्षा। तेजस्वी के 10 लाख के बदले नीतीश सरकार का 20 लाख रोजगार का ऐलान। वही बिहार चुनाव में रोजगार का मुद्दा बेहद अहम रहा था। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने चुनाव में इसे प्रमुखता से उठाया था। तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी के फैसले पर साइन करने का ऐलान किया था। हालांकि उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बीच सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की दूसरी बैठक में रोजगार के मुद्दे पर अहम फैसला लिया है, जिसमें अगले 5 साल के दौरान 20 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने का ऐलान किया है। युवाओं को रोजगार के लिए 5 लाख का अनुदान भी मिलेगा। कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये फैसले, 1. बिहार में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख अवसर सृजित किए जाएंगे। 2. बेरोजगार युवकों को अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपए देगी, इसमें से 5 लाख रुपए माफ कर दिया जाएगा, बाकी 5 लाख रुपया लोन होगा जिस पर 1% का ब्याज देना होगा। 3. बिहार के लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन टीका दिया जाएगा। 4. सूबे में अब इंटर पास करने वाली छात्राओं को 25,000 और ग्रेजुएशन करने वाली छात्रा को 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 5. बिहार के हर IIT और पॉलिटेक्निक कॉलेज में बेहतर ट्रेनिंग के लिए हाई लेवल का सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जाएगा। 6. हर जिले में कम से कम एक मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा। 7. हर प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। 8. स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अलग से विभाग बनाया जाएगा। 9. तकनीकी शिक्षा अब हिंदी भाषा में भी उपलब्ध कराई जाएगी। 10. बिहार में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय और एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। 11. सभी शहरों में वृद्धों के लिए आश्रय स्थल बनेगा, शहर में बेघर लोगों के लिए बहुमंजिली इमारतें बनेगी। 12. बिहार से बाहर काम करने वाले कामगारों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा।